होली, आप सबको होली की बहुत ही रंगारंग शुभकामनाएं। तुगल साहब डॉली के साथ होली मनाना चाहते हैं, देखते हैं कि इसके लिए वो उसे कैसे मनाते हैं। प्लीज वेलकम सुदेश एज तुगल साहब एंड कृष्णा एज डॉली। कौन आया शूटिंग पे लेट? कौन आया? कौन आया शूटिंग पे लेट आज? क्या है स्टैंड अप का वेट? कोई स्टैंड अप नहीं, चैनल को कोई फिकर नहीं, कोई गेस्ट नहीं हमारे एपिसोड में? कॉमेडी खुद करो, स्क्रिप्ट खुद लेके आओ, सेलिब्रिटी खुद लेके आओ। क्या हंसती है? अब हम खुद इतने बड़े सेलिब्रिटी, आम लोग के सामने काहे को परफॉर्म करने का? कोई ना कोई चाहिए हमको। अच्छा, हम अपना सेलिब्रिटी खुद लाएं। हमारी सेलिब्रिटी के लिए जोरदार तालियों। क्या क्या कॉम्बिनेशन है, पूरा पालक पनीर लग रहा है। माय गॉड, ये अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आए हैं कि इनकी कोई फिल्म नहीं आ रही और कोई भी नजदीकी सिनेमा घर में मत जाए, है ना? आइए सर, आप वहां मरिए, आइए। क्या बात है, हमारे जो हीरो लोग, अर्जुन कपूर उसको पकड़ लिया इसने, रणबीर कपूर उसको पकड़ लिया, सोहेल भाई को हमेशा चिपकी रहती है, ये सेलिब्रिटी यहां गले लगा इसको। लगाना अभी पता चलेगा, सबको गले लगाती है ना जो फिल्म प्रमोशन के लिए आते हैं। आइए सर, आप वहां मरिए, आइए आइए आइए, बैठिए। सिंहासन या औकात के हिसाब से प्लास्टिक की कुर्सियां। वाह वाह, कितना अच्छा लग रहा है, एक मडलैंड की रानी और उसी खाड़ी का केकड़ा साथ में। वाह सोहेल भाई, कैसा लग रहा है ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में आके? अब सोहेल भाई सोच रहे हैं, काश मैंने बैक टू बैक फिल्में की होती, ये नहीं झेलना पड़ रहा होता। पूरा ना माने आज होली। बड़े बड़े लोग क्या होली मनाती हूँ, गणेश क्या तो बहुत होली मनाई मैंने, लेकिन वहां बहुत थक जाती हूँ बाबा। तीन तीन क्विंटल पानी लगता है सिर्फ उसकी नाभी गीली करने के लिए। सोहेल भाई आप सोच रहे होंगे मैं गणेश मास्टर के पीछे क्यों पड़ी हुई। एक्चुअली मेरी बहुत इज्जत बचाई उन्होंने, मैं अपनी 20 लड़कियों के साथ पिकनिक मनाने गई थी, जगह नहीं मिल रही थी कपड़े चेंज करने, हमने उनके पीछे खड़े होकर कपड़े चेंज किए। आओ मैं होली खेलूंगा। ए ये क्या खाली खाली होली खेल रहा है, होली में कलर लगाते हैं। नहीं हम सोनी पे आते हैं, सोनी लगाओ। एक बात याद रखना कि धोनी हो या गवास्कर, लगाओ हमेशा सोनी। ए काफिला मिला ही नहीं। तो काफिया नहीं मिला तो चेक मिला हुआ? ऐसा बोलेगा ना, चेक कभी भी नहीं मिलेगा तेरे को। कहते चलो ऐसे होली खेलते, होली मेरा गुटप्पा का। अरे मेरे मुंह पे रंग नहीं लगाने का। अरे होली है तो मुंह पे रंग लगाऊंगा क्या, तेरे डिंपल में तेल डाल के मैं दिए जलाऊं क्या, पागल होगी? ए एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरे गालों पे डिंपल है ही नहीं। तो यहाँ पे डिंपल पड़ते वहां तेल डालूं तेरे हाथ में? खबरदार, तू अपने आप को क्या समझती है, है? बड़ी सुंदर है तू, तेरे से ज्यादा सुंदर बंटी का पापा। ये बंटी कौन है? बंटी मेरा बेटा। आप तो समझते हैं औलाद के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि उसका बेटा कामयाब हो जाए। सही बात है, तेरा बाप तो बहुत दुखी होगा ना। लेकिन मैं जब जीतू जी को देखता हूँ तो मुझे हौसला हो जाता क्या? कि जब उनका बेटा कामयाब हो सकता तो मेरा क्यों नहीं होएगा। एक मिनट डॉली, कमरे में चल। दो तीन धोखे देता हूँ तेरे को। धोखे देगा तू मेरे को? अरे जिंदगी भर मैंने धोखे खाए हैं समझा, अनार में धोखे खाती हूँ, एप्पल में धोखे खाती हूँ, केले में धोखे खाती हूँ। बात करता है। झूठ बोली। कभी समोसा खाया तूने, चार कोने वाला धोखे? साले चार कोने वाला समोसा समोसा नहीं होता, वो बिस्किट होता है। साले तुम जैसे भिखारी लोग समोसे और बिस्किट में अंतर ही नहीं पता सालों को। हट, घटिया घटिया पंच मार रहे हैं यहाँ पे, घटिया घटिया पंच मार ले, हम खुद का जज लाए, क्या प्रॉब्लम है? और एक मिनट, ये जो जज है ना तबला भी बजाता है और आज यहाँ हंस भी रहा है, ये तो सिर्फ हंसते, तबला बजाना आता है तुम लोगों को? कुछ नहीं है, दो दो क्वालिटी है इसमें,
और आज देखो ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, फ्रेश एयर है ना, नो बदबू टुडे, वेरी गुड, फैंटास्टिक। एक मिनट सोहेल साहब, आज फ्रेश माहौल बना है, होली का मौका है। बिल्कुल, तो एक खुशी के मौके पे लड्डू हो जाए। ए झूठा तो नहीं है ना? एक मिनट चेक कर लेता हूँ। नहीं नहीं साले, तूने आज फिर ब्रश नहीं किया? एक मिनट, मेरे मन की बड़ी इच्छा थी कि किसी तरीके से मेरे होंठ कश्मीरा तक पहुंच जाए, तेरे अथरू मेरे होंठ उसके तक पहुंच जाए। सही बात है, मेरी भी बहुत इच्छा थी कि उसको बहुत सारी बीमारियां लगे। थोड़ी देर मेरे साथ तो लग जा। एक बात बता डोली। बता। कैसा लग रहा है? बस कितनी बार बोला है राजमा चावल के ऊपर बियर मत पिया की बहुत बात आती है। तुम समझी नहीं। हाँ, मेरा मतलब मेरे कैरेक्टर के बारे में बताओ ना। तेरे कैरेक्टर, तीन एपिसोड से एक ही कैरेक्टर कर रहा, बोर हो गया जिंदगी। जिंदगी में इज्जत कमाई। अच्छा एक बात बता, तुमने कभी भांग खाई? भांग ए? नहीं कभी नहीं। लेकिन मैंने सुना है जो भांग खा ले एक बार हंस दे तो फिर हंसता ही रहता। अर्चना जी, आई एम सॉरी, हम आपको टैलेंटेड समझते हैं, आप इतना हंसती हो, भांग खा के हंसती हो। अरबाज जी कहाँ हो आप, भांग खा के बैठ जाते, कहाँ चले गए मेरे अरबाज जी? ओए होए होए, सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर, बहुत अच्छी लग रही हो। तुम मेरे साथ गलत तो नहीं करोगे ना? मैं तेरे साथ गलत करूंगा? अरे मैं शादीशुदा हूं, मेरे बच्चे हैं, मुझे सब आता, मैं गलत कर ही नहीं सकता। मैं बिल्कुल। अब बता तू मेरे साथ क्या करेगी? हम तुम्हें कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, मैं तेरे पेट में चक्कू मारूं, तू हमेशा के लिए सो जाए। सोचता भांग चढ़ गई है। एक मिनट, क्या क्या चींटी चल रही है यहाँ पे? कहाँ? गर्दन पे? नहीं, इधर जमीन पे ये ना। पुलिस, पुलिस, कहाँ पुलिस? जलंधर में। तू पागल हो गया? यहाँ खड़े पुलिस जलंधर क्या मतलब? तेरी चींटी आ सकती, मेरी पुलिस जलंधर नहीं आ सकती। बड़ा आया। और सुन, एक मिनट, पुलिस आई है उधर, तूने नई नई गाड़ी ली है ना? हाँ? उसकी किस्तें बाउंस हो गई है, वो लेने के लिए आई है। मुझे क्या, मेरी गाड़ी तो बम्बई में है। तो कह रहे थे तेरी साइकिल लेके जाएंगे फिर। ऐसा मत करो लोगो, मेरी गाड़ी ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी मेरी साइकिल मत लो। साले साइकिल के नाम पे इतना क्यों रो रहा है? मेरी बेटी का नाम साइकिल कोर है, मेरी बेटी साइकिल, उसको लेंगे मैं। इतना घटिया पंच। कोई बात नहीं, हम अपना जज लाएं, क्या प्रॉब्लम है, मारो घटिया। ए सुना डोली, आज होली है, खुशी का मौका है, सब बराती भी आए हुए, मैं चाहता हूँ हम तुम दोनों मिलके अनुलोंग विलोंग कर लें, कपाल भारती पैदा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। क्या बकवास कर रहा है साले, शादी से पहले कपाल और ये भारती कैसे पैदा हो कर सकती हूँ? नहीं नहीं, उन्होंने बोला है बाबा जी ने, अब जो होगा योगा से ही होगा। ये तेरा पंच था? तेरी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना जज लेंगे। एक काम करो, सुनो, एक्ट यहीं पे खत्म, नो एंड इसका। ये क्या बकवास कर रही हो, ये एंड है कोई? एंड है? क्या फर्क पड़ता है, हम अपना जज लाए तो वो कमेंट करेंगे। सॉरी सुहेल, सॉरी आरजी। सुरिंदर कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? कृष्णा मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा आपका एक्ट। सुदेश जी आपने भी कुछ ठीक नहीं किया, लेकिन मुझे यहाँ बैठ के बहुत मजा आया। सही में ये कॉमेडी सर्कस 7 साल से चल रहा है मेरी वजह से, मैं भगवान का लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। थैंक यू। नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा। अपने लिए लाए थे हम लोग, क्या बकवास कर रहे हैं, पालक पनीर। मैं खुद कहूंगा आपका मुझे बहुत मजा आया सुरेंद्र जी, क्योंकि जैसा जैसा मैंने आपको सिखाया था वैसा आपने बोल दिया, जोरदार तालियां, ये बहुत बड़ी बात है। I challenge anybody else in the whole world कि कोई भी आप दोनों जैसा एक्ट करके दिखाए, जैसी भी स्क्रिप्ट हो। लेकिन आज जो स्क्रिप्ट थी नहीं,
क्योंकि जो थीम है होली का वो किया ही नहीं इन्होंने कुछ अपना ही भलता किया हुआ है, लेकिन अपना भलते की वजह से ये आपके लिए यार। थैंक यू सर, थैंक यू, सुपर। गफूर गफूरी के रंगों में नौकर की पिचकारी लेकर आ रहे हैं मंत्रा एज मिया गफूर, जैमी एज मिसेस गफूर एंड मुबीन एज खुराफाती नौकर। अरे मार क्यों रही हो? अरे सुनती हो? काश मैंने अपने माँ बाप की सुनी होती तो आज आपकी नहीं सुननी पड़ती। अरे ये आपकी आवाज को क्या हुआ? ये आज अपनी जैमी की आवाज में क्यों बोल रही है? आशा का भूत उतर गया? आज आशा आउट ऑफ ऑर्डर है। वो क्या है ना, उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस देख ली। तो मतलब अब आप आशा नहीं करेंगी? निकुल भाई पैकअप कराओ, जिस काम के लिए लाए थे उस काम की तो अभी रही नहीं, अब क्या करना है इसका? आ गया। सुन रहा है ना तू? हंस रही हूँ मैं। अजय सुनिए ना। हाँ जी। देखिए आज होली है, कोई मुझ पर रंग लगाकर मेरी त्वचा ना खराब कर दे। ऐसी क्या बात है, आप बदला ले लेना, अपना मुंह रंग पे डाल देना, उसका रंग खराब हो जाएगा। Do me a favor, let's play होले 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 होले। रंगों में है प्यार के बोले 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 चाय बोले बोले चाय चाय बोले चाय। वैसे आज होली है और इस मौके पर एक शेर कहना चाहता हूँ। आँख खुली तो उनके हाथों की हिना याद आई, आँख खुली तो उनके हाथों की हिना याद आई। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लो, एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या आपके पास कार है? हेलो बेटा, आज नहीं देगी जवाब वो तुझे। आशीष के पास वो कार होती और ये उसी के नीचे आके मर जाए। एक बात बतलाओ, ये तुम्हारी एंट्री के बाद सीधे तुम्हारी गाड़ी वहाँ क्यों पहुँच जाती है? हाँ। वो क्या है कि ये भी तो मेरी हर एंट्री के पहले बार बार मेरा नाम लेती है। प्लीज वेलकम मुबीन, प्लीज वेलकम मुबीन। अरे मैं अकेला सुपरस्टार नहीं हूँ इस शो में। और वो कोई बुलाए कर, लेकिन ये वो क्या है कि ये मुझे बहुत प्यार करती है। पगली कहीं की। देखो ये क्या, तुमने हाथों में मेहंदी क्यों लगाई है? वो मालकिन क्या है, बाहर दिलेर मेहंदी साहब मिल गए थे, भाग रहे थे, मैंने उन्हें पकड़ा, दिलेर निकल के मेहंदी रह गई। अरे तुमने मेहंदी लगाई, खाने का क्या करोगे? उसकी टेंशन मत लो डार्लिंग, आज तुम्हारे हाथों से खा लूंगा। बेटा आओ जरा बैठो इधर, तुम्हें आज मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ वो तो इसकी बनी हुई सड़ी हुई बिरयानी, खाओ। खाओ, कैसी लग रही है? मालकिन आपके टूथपेस्ट में नमक है? हाँ, है ना? तो थोड़ा सा नमक बिरयानी में भी डाल देती। और नमक नहीं मिलता तो टूथपेस्ट डाल देती। तो जैसे नमक हराम को नमक खिलाने का क्या फायदा? बिल्कुल सही कहा, दिन रात घर पे बैठा रहता है ठल्ला का फूल। मालिक को नाम से बुलाता है। सॉरी गफूर नहीं, अरे सॉरी गफूर नहीं बोलूंगा। अरे बदतमीज, काम करो ढंग से, कपड़े क्यों नहीं धोए तुमने? कपड़े तो मैंने धो दिए, लेकिन मुझे जो मिला है वो आपकी धुलाई होगी। मालकिन मुझे मालिक के कपड़ों में से ये लव लेटर मिला है। इसमें लिखा है जूलिया आई लव यू। माकर तोंडिया नहीं नहीं, अरे वो क्या है ना कि कल हम घुड़सवारी के लिए गए थे, घुड़सवारी देखने, तो जूली नाम की घोड़ी थी, उससे हमें मोहब्बत हो गई, उस पे पैसे लगाए थे, उसकी स्लिप है, स्लिप है। सॉरी। अरे अरे मालिक, हाँ आपकी घोड़ी का फोन आया है। बाद में। अरे नहीं, वो क्या है ना, साथ में काम करते हैं, कभी कभार चले जाते हैं घूमने जैसे। हाँ हाँ, तो नौकर मेरे साथ काम करता है, कभी कभार इसके साथ घूमने चले जाया करूं? नहीं, नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं। अरे अरे पीछे हटो यार, रोना नहीं, रोना नहीं। देखो रो रो के तुम्हारा पूरा चेहरा साफ हो गया, जाओ गंदा करके आओ, जाओ गंदा करो, बदतमीज इंसान। अरे मालिक, हाँ गुड न्यूज बोलो। गुप्ता जी घर में अकेले हैं। हम क्या करें भाई? ओ सॉरी रॉन्ग नंबर। मालकिन गुड न्यूज, गुप्ता जी घर में अकेले हैं। अरे
तो इस पे वो क्या करेंगे भाई? नहीं वो क्या है कि आप मालकिन को रिस्पॉन्स देते नहीं है, लेकिन गुप्ता जी बहुत रिस्पॉन्स देते हैं कुछ तरीके से। हम खून कर देंगे उसका। अच्छा, आपके और गुप्ता जी के विचार कितने मिलते जुलते हैं। कल भी वो यही कह रहे थे कि तुम्हारे पति का खून कर दूंगा। उनसे मेरा दुख देखा नहीं जाता ना। ओह माय गॉड, मोरल ऑफ द स्टोरी, पड़ोसी और पत्नी आड़ में, पति जाए भाड़ में। अबे काम करो, अपने जाके चाय बना के लाओ पप्पी लेके। अरे चाय कैसे बनाऊं मालिक, अदरक तो है नहीं। बिना अदरक के बना दो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर बोल। आ गया, इसको दूसरा कैरेक्टर मिल गया, करवा लो इससे कम से कम। और सुनो, इससे जरा दूरी बनाए रखना पप्पी लेके। सुना मालिक ने क्या कहा? मुझसे दूर हो जाओ पप्पी लेके। अरे अरे होली के लिए पैसे इकट्ठे तो करने पड़े, चंदा मांगे ना होली। ऐसा करो तुम जाके चंदा कलेक्ट करके लाओ। मालिक मैं गया था चंदा मांगने के लिए रीति साहब के घर। मैंने कहा साहब आपकी फिल्म में बड़ा बिजनेस करती है, चंदा दे दो। तो अजीब सी बात है, कहने लगे हेलो मुबीन, इट वाज फैंटास्टिक, रोता नहीं सकता। हेलो सूजी कम हियर, मुबीन आया और ऑफ लो। हेलो It's just fantastic, mind blowing, ridiculous, wow. Serious, appendix, it's just appendix, appendix, Suji, हाँ पैसे दिए कि नहीं? गाली बाद में देना, पहले पैसे दे रहो। मैंने तुम्हें देखते ही पैसे गिनना शुरू कर दिया। मैंने कहा साहब जल्दी गिनो, आपके पास तो एक अंगूठा एक्स्ट्रा है। अरे सुनो, मैं उसके बाद एक जगह और गया था। कहाँ? अरबाज भाई क्या? प्रोड्यूसर से कोई चंदा मांगते हुए तो फिल्म मांगने गया था। मिली? वो आज भी उसूल हो के बिल्कुल पक्के हैं, मुंह पे माना कर दिया। कैसे? मुंह पे? हाँ मुंह पे ऐसे। अरे रे रे रे, बड़ा बुढ़ा बिचारे के साथ। अरे हम भी गए थे नाना काटेकर साहब के यहाँ पर, उनसे चंदा मांगने के लिए। मैंने होली के लिए चंदा दो के बोलता आ गए मेरी होली का तमाशा देखने के लिए। अभी यहाँ पर रंग लगेगा, आंखें लाल होंगे, ऐसे जबान बाहर निकल आएगी। अरे काय को खेले होली, अरे अंबर खेले होली, उमा भीगी मेरी चोली, अंजलीना जोली, अरे खेलो रे होली। चंदा लेकर जाओ चंदा, कौन है चंदा काय? भाई लल्लन टॉप है चंदा, अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं भी गई थी। तुम भी गए? तुम 100% आशा। आशा जी क्या गई थी ना तुम? नहीं मैं तो अमित जी के यहाँ गई थी। थैंक गॉड, वहाँ मुझे आशा मिल गई। इतनी बड़ी फैन है मेरी, कहती है तुम ही हो ना कमीनी। खबरदार जो अगली बार मैंने मिमिक्री की तो। मैंने कहा ये आप जैमी की आवाज में क्यों कह रही हैं? होली का टाइम, मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। सुना भाई अर्शाद। सीआईडी ने सोनी से नाता जोड़ लिया। सीआईडी ने सोनी से नाता जोड़ लिया। फिर दूल्हा जिस कमरे में मना रहा था स्वागरात, दया ने वही दरवाजा तोड़ दिया। अरे भाई मामला तो बिल्कुल सही है, होली का माहौल है, गाना होगा, बजाना होगा, थोड़ा संगीत होगा, धमाका होगा, बजाओ रे बजाओ, तुम भी ताली बजाओ। This is a tribute to all the lovers of comedy circus. Say 1, 2, 3, Happy Holi! Karchi ko thoda round ghuma ke, khoe ki mast gujiya bana ke, ek duje pe rang jape ke, Holi khelo papi leke, all the Holi guys. Holi hai. Karke toli dance. भांग का नशा चढ़ाना पड़ेगा, सबको गोला लोड़ाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, सब गमों को भुलाना पड़ेगा। ऑल द होली फैंस, टेक गुलाल इन योर हैंड्स। Holy dance, 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 holy dance. गले लगाने को आया हूँ मैं तो, मुझको रोकेगा कौन? और काई को स्टाइल में आया हूँ कुत्ते के जैसा, होगा वसूल और सबका पैसा। All the holy guys, holy है, करके टोली dance, holy है।
the holy gang. Karke toli dance. Holy dance, holy dance, holy dance, holy dance. आजी कैसी लगी आपको इस घर की होली? For full on entertainment, entertainment, entertainment. सुहेल रुबिन तुम सही में सुपरस्टार हो यार. सही में सुपरस्टार हो. मंत्रा मियां है तो ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग और जब भी आते हैं कुछ अलग लेके आते हैं. लेकिन यू आर फैबुलस. जो मैंने आपकी ग्रोथ देखी है फ्रॉम लास्ट सीजन टू दिस सीजन, आप अभी लोगों के दिल छूने लगे हो, विच इज सुपर. जामी योर डैड वॉचेस द शोज. यस. यू नो आई कैन ओनली से वन थिंग, यू मेक हिम प्राउड. जामी यू आर एब्सोल्युटली फैबुलस. थैंक यू सो मच. बाय बाय. थैंक यू. महाराजा पप्पू के राज्य में पहली बार होली खेलने आ रही है पड़ोस के राज्य की महारानी. अब इस रोमांटिक होली में सेनापति करेंगे कैसी कारस्तानी, चलिए देखते हैं. प्लीज वेलकम राजीव ठाकुर एज पप्पू महाराज, बलराज एज सेनापति, एंड ऑफ कोर्स तड़का पूर्वी एज महारानी जिग्ना. सबको होली मुबारक. होली पे कोई किसी को मारेगा नहीं, सब प्यार से रहेंगे, कोई किसी को मारेगा नहीं. या एक मिनट, क्यों मार रहे हो हमें होली वाले दिन? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? सिर्फ थोड़ा सा रंग ही तो लगाया है. अरे रंग लगाया मेरी मांग भर दी सोए की तूने. एक बात बता, कल को तू मर गया मैं तो बिना शादी के विधवा हो गया ना तेरा. यहाँ पर बैठकर हमारी हराम की रोटियां तोड़ता रहता, हमारे नाम की चार चूड़ियां नहीं तोड़ सकता. हम होली मनाने अपनी महारानी के पास जाएंगे. नहीं जा सकते. क्यों, उसके साथ कोई और मना रहा है? नहीं नहीं, इधर कोई और आ रहा है. कौन आ रहा है? महाराज पड़ोसी राजा की जो बेटी है ना. हाँ? वो होली खेलने आ रही है. हाँ? बुलाओ बुलाओ बुलाओ. बा मुलायजा होश यार. खबरदार रिश्वतखोर, कुत्ते के बच्चे के साथ होली खेलने. पड़ोसी नगर की रानी ढोकले और फेफड़े लाके किसी की माँ के थेपले उड़वा के हमारे अच्छे खासे एक्ट में ओवर एक्टिंग करने आ रही है जिग्ना जाम नगरिया. हेलो फ्रेंड्स, माय शेफ जिग्ना जामनगरिया, जामनगर की महारानी. फेवरेट एक्टर नरेश कनोडिया, फेवरेट सिंगर फाल्गुनी पाठक, फेवरेट कंपोजर हिमेश रेशमिया, एंड फेवरेट फूड जामनगर पैलेस की मल्टी वैरायटी गुजराती थाली. मेरा नाम बलराज सियाल, बाप का नाम रोशन लाल, फेवरेट शो कॉमेडी सर्कस के महाबली. मेरा पार्टनर दीप ठाकुर, पहेंदर पकोड़े, चार भाई, तीन बच्चे, दो परोंठे, 40 सोने तेरी बारी. ओए पंजाबी फिल्मा देखो, पंजाबी गाने सुनो, नाले मेरे को डायलॉग सुनो. जेड़ा बंदा आएगा ओ मारा जाएगा, ऐसा होगा ओदा होगा, हुन तेरी बारी. गलती हो गई प्रभा, दसो की करना है? बस यही नहीं करना. ओके गुजराती में रहूं. ओके सॉरी आई ट्राइड बट नॉट वर्किंग. ओके तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जामनगर की रानी हूं. तो रानी साहब मैं मुंह उठा किधर क्या करने आई? या मैं तो यहां पहले से हूं, मैं तो पहले से हूं. तू ऑडिशन में 6 बार फेल होके भिन्नते करके यहां पे आया लूजर एक्टर. महाराज जी हमारे राज्य के सारे फटे हुए कच्चे सिले जाएंगे. वो कैसे? सुई खुद चल गई, धागा डाले इसमें. खबरदार जो गेस्ट के बारे में कुछ बोला तो. हाँ. आप अपने सर पे रख के हमारा मोबाइल चार्ज कर देंगी? क्यों, हमारा पतली पिन वाला चार्जर नहीं मिल रहा. एक्सक्यूज मी, वो लाइट जाने के बाद बेबी. अच्छा अच्छा अच्छा, आपके यहाँ पे लाइट बहुत जाती होगी ना? आपको कैसे पता चला? नहीं आपने जनरेटर रखा है ना, एक लाइन तुम बोलते हो और फिर 300 रूपए ये जनरेटर भोगता है. महाराज दुश्मन ने हम पे हमला कर दिया, हमें आपको युद्ध करना ही पड़ेगा. महाराज 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 महाराज. तुम दोनों में से महाराज कौन है? देखिए महाराज तो हम ही है, लेकिन चलती इस कुत्ते के बच्चे की है. भगवान मन करे. देखिए आपको जिसका टच ज्यादा अच्छा लगा उसको महाराज बना लें. Hey, what is he talking? Hey, पहले जाके इनके रहने का प्रबंध किया जाए. ठीक है, कौन सी मयान में रहेंगी तलवार साहिबा? इनके सोने के लिए बिस्तर हमारे शयन कक्ष में लगाया जाए. बेडरूम में? मैं लेडीज हूँ. तो क्या तेरा बिस्तर लेडीज बाथरूम में लगा दूँ?
Excuse me, get well soon. Smoking is injurious to health. No parking Monday to Friday, 9 to 5 p.m. I read all English advertising. So I have many fathers, but Sri Ramlal is my best father. He comes to my home regularly. Hey, एक मिनट बहुत हो गया. Actually, मैं यहाँ पे होली खेलने नहीं आई हूँ. ना 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 ना. मैं यहाँ पे आई हूँ तेरे से बदला लेने. कई साल पहले युद्ध में इस आदमी ने मेरे दादा को मार दिया था और आज मैं तुझे मारूंगी. I will kill you. I will take out your heart from the beating body. Chop it into small little pieces and then you will get a death by a organ transplant. महाराज ये सच बोल रही है महाराज. कह रही आपके दादाजी कच्छा नहीं पहनते थे. साले कच्छे का तो जिक्र ही नहीं आया. जो पहने के नहीं जिक्र कहां से आएगा. ए तुम लोग को ना आज मैं मार्शल 10 से मारूंगी. किससे? मार्शल 10. ये क्या है? अरे मार्शल आर्ट तो सब करते हैं लेकिन 10 सिर्फ जिगना करती है या बेबी. चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ. कम ऑन सो मी व्हाट यू गॉट. कम ऑन द डांस फ्लोर. युद्ध होने वाला है. हां लीजिए अपनी बोतल. ए ये बोतल लेके युद्ध में कौन जाता है? एक्चुअली क्या है ना, तलवार देख के महाराज की हालत पीली हो जाती है तो बोतल से धोनी पड़ती है ना. हमारी तलवार. हाँ एक मिनट. एक मिनट. लड़ने से पहले बताओ हम लड़ किससे रहे हैं. नाम क्या है तुम्हारा? माई सेल्फ जिगना जामनगरिया. फादर्स नेम? फादर ऑफ जिगना जामनगरिया. मदर्स नेम? मदर ऑफ जिगना जामनगरिया. अबे तू क्या खोद रहा है? कबर ऑफ जिगना जामनगरिया. कम ऑन. Alright friends, are you ready for the battle of the century? Yeah. तो उनसे लड़ ले जिनसे पूछ रही है मुझे. अरे चल. Okay. Come on. महाराज. हाँ. औरतें हथियार उठाएंगे? नहीं नहीं ये लो. मुकाबला बराबरी का होना चाहिए ना. चलो. फैंटिंग हो रही है. हा? मुझे बहुत चक्कर आ रहा है. मुबारक हो, मुबारक हो. पहली बार किसी लड़की को महाराज की वजह से चक्कर आ रहे हैं. एक मिनट. हमारी वजह से तो ठीक है लड़की को चक्कर आ रहे हैं लेकिन हमें किसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं? मुबारक हो, मुबारक हो. जो महाराज 5 साल में बाप नहीं बन पाए पहली बार माँ बनेंगे. चल तू कम ऑन युद्ध कर मेरे साथ. लेकिन तुम बदला क्यों लेना चाहती हो? क्यों लेना चाहती हूँ? वो इसलिए क्योंकि मैं दादा से प्यार करती थी. मेरे दादा भी मुझसे बहुत प्यार करते थे लेकिन तुमने उसे मार दिया. बोले क्यों 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 क्यों. अबे कब से क्यों मांग रही? देख रही उसको क्यों क्यों. आपका क्यों है कि आपने लड़ना है राजा के साथ? हाँ ए कम ऑन कम ऑन. एक मिनट. क्यों लड़ना है? पता क्या लड़ाई में एमए 5-7 जफियां 10-12 पप्पियां हो जाती हैं. हम समझौता कर लेते हैं. सारी जिंदगी माफिया मांगते रहे. समझौता तो करना ही नहीं आता आपको. हमें आता है महाराज. आपको नहीं आता? हमें आता है समझौता. करके दिखाओ समझौता. अभी लो हम अभी प्रैक्टिस करके आपसे समझौता करेंगे. ओके सी यू सून. हम आपसे समझौता करना चाहते हैं क्योंकि गलती से हमारे हाथों आपके दादाजी की मौत हो गई. इतना बड़ा राजा और गलती से बंदे मार रहा है. हमने जानबूझ के मारा है. एक तो मारा ऊपर से अकड़ रहा है. हमें नहीं आता समझौता करना. हमें तुम सिखाओ. महाराज मैं सिखाऊं? सिखा बेटा. ठीक है महाराज. आ जरा आ जा. हम समझौता करना चाहते हैं. हाँ. गलती से आपके दादाजी हमारे हाथों मर गए थे. अच्छा जी. गलती से इतना बड़ा राजा होके बंदे मार रहा है? बेटा मैं सेनापति हूँ. राजा हमें नहीं करना समझौता. हमें नहीं करना. हम माफी मांगेंगे. तू पकड़ बोतल. हाथों पर कर. हमें माफ कर दो. गलती से हमारे हाथों आपके दादाजी मारे गए. साला दादा मेरा मरा माफी. आपसे माफी मांग लेते हैं. माफी उससे मांग नहीं रही असल मेरे साले. हम तो रिहर्सल कर रहे थे. साले यार शूटिंग के लिए तू रिहर्सल कर रहे थे. एक मिनट. जाते जाते हम एक सवाल पूछना चाहते हैं. जी महाराज. जो बच्चा क्लास में लेट आता है उसके साथ क्या किया जाता है? क्लास में खड़ा किया जाता है. तो जो बच्चा लेट आया बेंच पे खड़ा हो जाए स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए. सुहेल जितना अच्छा ये लिखा था
उससे बेहतर आप लोग ने परफॉर्म किया है. सो ट्रू. तीनों के लिए. नहीं यार, सुपर बैक था यार. फटाफट फटाफट बहुत मुश्किल होता है ये करना. एंड पुर भी मैं आपको तड़का नहीं कहूंगा, मैं आपको आलू का तड़का कहूंगा, बिकॉज यू कैन बी पुट इन एनीवेयर. यू आर समबडी कैन बी पुट इन एनीवेयर. आर्ची, मुझे कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर लगता है कि पूर्वी अब किसी भी एक्ट में आ सकती हैं और उसमें तड़का लगा सकती हैं. आज से तड़का नहीं, आलू बोलेंगे आपको. एंड बलराज और राजीव, बोथ ऑफ यू सुपर्ब. हमेशा आप अब ये किरदार ही करते हैं, लेकिन इस किरदार में आपकी एक क्लैरिटी आ गई है. थ्री ऑफ यू, थैंक यू. होली के रंग में बुआ को चढ़ गई है भंग. अब वो किस किस को कर रही है तंग, चलिए देखते हैं. प्लीज वेलकम सिद्धार्थ एज बुआ एंड भारती एज गोलू. हैप्पी होली. आप लोग सोच रहे होंगे कि गोलू कितना मनहूस बच्चा है, होली वाले दिन भी रो रहा है. मैं क्या करूं सोहेल अंकल, बुआ ने दो लोटे रखे थे, एक खेत वाला दूसरा भांग वाला. मैं गलत लोटा पी गया. अब मुझे भांग चढ़ भी नहीं रही. हम गरीबों के साथ ऐसा ही होता है. बेचारे गरीब कैसे होली मनाते हैं नहीं पता ना आपको, तो अर्चना और श्रुति से पूछो. श्रुति तो रंग भी नहीं लगाती, कहती नो नो मैं ऑर्गेनिक होली खेलती हूँ, और ऐसे करके भैंस के नीचे बैठी रहती है. जैसे ही भैंस गोबर करती कहती ओ हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली. अर्चना जी हंसी है ना, आपका भी बता दूंगा मैं. ये भी बेचारी बड़ी भोली है, ट्रक के साइलेंसर के पास ऐसे मुंह करके बैठी रहती है. जैसे ट्रक स्टार्ट होता है कहती हैप्पी होली हैप्पी होली. साला ऐसा रंग लगाया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझको. कुछ दिखाई नहीं दे रहा? नहीं. बचाओ बुआ, मुझे चार गुंडों ने पकड़ा है. किधर? अरे मेरी बुआ को मत मारो. किधर? ए अंकल एक मिनट रुको रुको, मेरी बुआ के बाल खींचने क्यों जा रहा है तू? मेरी बुआ के एक मिनट, तो कितने आदमी है जो मार रहे हैं? बुआ चार पांच लोग हैं. किधर? चार पांच को बुला, बॉल मारे, एक साथ मारे. बुआ चार पांच लोग हैं. मार मार खा लेगी तू? मार खा लूंगा. हमारे जैसे पक्की बात. अच्छा. एक मिनट, इनको बोल एक बार और मारे. बुआ तेरे बाप के नौकर नहीं है, तेरी सहूलियत के हिसाब से मारेंगे. इनकी बहन का कुर्ला, इनकी माँ की डंडोसी, इसी तैसी. किधर है? बुआ वो देख गया अभी, भागा बुआ. किधर भागा? वो देख भागा अभी. कुत्ते का बच्चा. वाकई कुत्ते का बच्चा. ऐसे मार दे किसी की बुआ को है, ऐसे मार दे. कौन सा तरीका है मारने का यार? कोई हम आओ गो यहाँ है? इतनी बुरी तरह मारा है, ऐसे तो भांग पिला दी फिर रंग लगा दिया. अर्चना तुम आराम से सुनो बात, कहाँ जा रही हो? आराम से बैठ के सुनो बात. अरे 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 उल्टी हो गई. अरे क्या कर रही है अर्चना? अर्चना कहाँ है? फिर बैठ गई. अरे क्या कर, अरे वाह अरबाज भाई, क्या बात है. बुआ अरबाज भाई नहीं सोहेल भाई है. तो मुंडी क्यों घुमा रहे? शर्म कर बुआ, पप्पा को मरे एक साल भी नहीं हुआ और तू होली खेल रही है. अरे तो मैं क्यों ना खेलूं, मेरी कौन सी पिचकारी लेके मरा है? मैं तो खेलूंगी. होली इज अ वेरी गुड हैप्पी फेस्टिवल. आई लाइक होली इज होली. बुरा ना मानिएगा. बुरा ना मानिएगा. बुरा ना मानिएगा. हुआ क्या हुआ, रो क्यों रही है? बहुत गंदा आदमी है प्रधान, आया मेरे गुब्बारे मार के गया. क्या हुआ गुब्बारे मारे? आज होली है. हाँ तो गुब्बारे में पानी भर के मारे, पत्थर मार के कौन मारता है?
फिर कहता पिचकारी मारूंगा पिचकारी, मैं कहा मार ले कुत्ते का बच्चा खोपड़े में मार गया, खूना खून घूम रही मैं। वाह, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मेरे साथ कोई भी होली नहीं खेलता। ना तू पैसे देती है पिचकारी के लिए, ये सड़क से उठाई पिचकारी के साथ होली खेल रहा हूँ मैं। ये भी खराब होगी, रंग नहीं निकल रहा। गोलू ए पागल, अब असली बंदूक है। तभी मैं सोचूं मैं जिसको ये पिचकारी मारता हूँ पहले गुलाल निकलता है फिर वो सो क्यों जाता है। होले दिन वाले हत्या करके आया, हत्या करके आया है तू। तो फिर क्या करूँ, क्या सोचूं मैं? तुझे मेरी कोई सोच नहीं? बुआ तेरे बारे में सोचता हूँ तो मुझे उल्टी आ जाती है। दिस इज द रिस्पेक्ट शी इज हैविंग फॉर हर ब्रदर। तेरी रिस्पेक्ट करूँ? तेरी हरकतें ही ऐसी कि रिस्पेक्ट करने का मन ही नहीं करता। सोहेल अंकल एक बार ये जंगल में गई, वहाँ पे बालों वाला भालू दिखा, उसके पीछे पड़ गई, कहती गोंडिया झकास बोल के बता, गोंडिया झकास बोल के बता। हाँ तो हमको पता वही था, अगर उसको रोक के पीठ में मुक्का मारते कहता गोंडिया झकास। तो पता है तू चल बहुत शैतानी कर ली, फटाफट जा होली खेल बाहर जा। कैसे खेलूं बाहर, कोई रंग भी नहीं खेल रहा क्योंकि बंसाली साहब ने रालीलों में सारे रंग उड़ा दिए। लेकिन अपना तो सेट है भाई, हम जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों के साथ खेलते हैं होली। बड़े बड़े स्टारों के साथ कभी तुमने होली उड़ाई है? सबके साथ खेली है, सबके साथ खेली है। हम गए थे देव साहब के पास, देव साहब आए होली खेलने, हमने कहा देव साहब हैप्पी होली करते हूँ, सारा रंग गिरा दिया। फिर खुद मुट्ठी में भर के लाए, मैंने कहा अब लगाएंगे करते हूँ, अपने लगा लिया। मैं कहा ये आदमी अकेला ही होली खेलता है। मैं आगे गई, मैं फिर गई, मैं कहा चलो किसी और के साथ खेलते हैं। वहाँ राजपाल आ गया, राजपाल आके कहता अरे कसम ये सोदा मैया की मेरे जिगर चूल्हे उठा पटक देंगे छोड़े मिले तुम्हारे जैसे बहुत जैसे हमने। अरे मैंने कहा यार तू होली खेलेगा क्या कर रहा है? मैं होली खेल जल्दी आप पास पास आ रहे, यहाँ से निकल गया। पीछे से आया भाग के यहाँ से निकल गया। मैं अगर निकल ले फटाफट अपने कुत्ते पे बैठा निकल गया। हम बच्चन साहब क्या गए, हम कहा इनके साथ होली खेलेंगे, वहां पे देखा बाल्टी में पिचकारी बना हुआ था राजपाल। तुमने कभी सलमान खान के साथ होली खेली है? हाँ वो है बहुत जबरदस्त। मैं कहा सर बहुत बहुत मुबारक हो हैप्पी होली, कहते मुबारक हो मुबारक हो, मुंह का मुक्के मार दिए दो चार में। थोड़ी देर तो हम चक्कर खाए, हमने कहा कोई बात नहीं बड़े लोग हैं करते होंगे। हमने कहा सर हमें भी दो चुटकी गुलाल लगा दीजिए, फटाफट चुटकी उठाई करते हैं। मैं कहा क्या कर रहे हो, सूंघ रहे हो, हाई इन्फेक्शन हो जाएगा। इतना गुस्सा आया गुलाल पकड़ा सारा हवा में उड़ा दिया। मैं भी सोहेल अंकल के घर गया था होली मनाने, फिर मैं ऐसे पहुंचा इन्होंने ऐसे हाथ में रंग लगाया और काम वाली के साथ होली खेल रहे थे, कहते रहे मरी भाई मरी भाई मरी भाई मरी भाई मेरा भाई। ऊपर से सीमा आंटी आ गई, उन्होंने एक कस के मुक्का पीठ पे छोड़ा, इनका गाना ही निकल गया, कहने लगे मेरी बीवी बड़ी का दिल मार ही डालेगी। खान परिवार बड़ा जबरदस्त है, मजा आता है इनके साथ सच में। आई रियली एंजॉय विद द वेरी वेरी नाइस पीपल बिकॉज दे आर वेरी नाइस। अरे मेरी चोली भी होके रख दी उन्होंने। बुआ तू बड़ी भोली है, भीगी तेरी चोली है और हम दोनों की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली है। बुआ होली है, हम कुछ अलग करेंगे ना, सारे हैप्पी होली बोलने तभी तो मिलेंगे। मैं आपने कुछ अलग किया, आपका कुछ अलग परफॉर्मेंस था, आपने परफॉर्मेंस अलग दिया, आपका अलग परफॉर्मेंस था। वाह अगर तू ऐसे ही अलग करती रही ना तो ये दोनों हम दोनों को शो से अलग कर देंगे। श्रुति तू आ जा, इससे पहले तेरी सांसें अलग हो। तो सुहेल आपको कुछ अलग लगा इस एक्ट में? पहले तो सिद्धार्थ वेलकम बैक यार। तो मैं आपको लास्ट सीजन छोड़ के गया था, आज मैंने आपको स्टेज पे देखे, मुझे फिर से वही सिद्धार्थ याद आ गया बिकॉज आई जेन्युइनली फील दैट यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। आप थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालिए एंड डू व्हाट यू डू बेस्ट, हमारी भारती तो है। और जो आपने बोला ना कि आज आपने कुछ अलग किया है, यस दो अलग अलग नंबर एक और जीरो। थैंक यू सर, थैंक यू।
आरजी, पहले तो मैं राइटर्स को दाद दूंगी क्योंकि एक थीम पर लिखना इट्स डिफिकल्ट. हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू एंड द राइटर्स. थैंक यू वेरी वेल. तो आरजी आप इस आपको कितने पॉइंट्स देंगे? बेशक कोई शक. 10 पॉइंट्स फ्रॉम बोथ द जजेस. आपके चेहरों को हंसी के रंग से रंगने के लिए हम ऐसे ही आते रहेंगे ओनली ऑन कॉमेडी सर्कस के महाबली.